तो मैं अभी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे गाड़ी की बाइक में चार की बहुत कमी है। चार्ज बहुत कम मैं आपको दिखाता हूँ। चार्ज 46 चार्ज है और हमें जाना है 28 किलोमीटर जाना है 46 में। हम अभी ट्रायल करने वाले हैं कि इसमें एक्चुअली रेंज कितना देता है, क्योंकि 46 में मिनिमम कितना बचता है अपना रेंज और 28 ट्रैवलिंग रहेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं अभी इको में ही चला रहा हूँ और इको में चलाते मैं इको में चलाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है, 28 किलोमीटर कवर करना है और अभी 42 बैटरी दिखा रहा है, इको मोड में चल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इको में ही चलानी पड़ेगी शायद, 42 बैटरी दिखा रहा है। अभी 27 किलोमीटर कवर करना है हमें, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो मुझे तो लगता है कि चल जाएगी, फिर भी देखते हैं कि क्या होता है क्योंकि मैं नॉर्मल मोड में भी नहीं चला रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है क्योंकि शाम का वक्त है, गाड़ी बंद हो गई तो कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा, मुझे अकेले नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों मुझे घर से बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब नॉर्मल मोड में स्टार्ट कर दूँ इसको, क्योंकि घर जल्दी जाना है तो रिक्स लेते हैं। करते ही आप देखते हैं आप कितना हो जाएगा, और मुझे जल्दी जाना है इसलिए मैं नॉर्मल मोड में। ठीक है दोस्तों, मैं अभी एक ब्रिज पे हूँ, जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे लाइट तो थोड़ी सी एक ही चला है मैंने, तो अब मैं ब्रिज पे हूँ। तो कोई लोग कहते हैं कि ब्रिज पे चढ़ने में कैसे चढ़ती है, तो मैं तो कहता हूँ कि ब्रिज पे एकदम ईजिली चढ़ जाती है, कितना भी बड़ा ब्रिज रहा हूँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती, एकदम नॉर्मल गाड़ी जैसे अपनी चलती है वैसे ही चढ़ जाती है, वैसे कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है। तो कोई लोग कहते हैं कि ब्रिज पे चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, जो नया कोई लेना चाहता है तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये ब्रिज पे चढ़ जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं। फाइव अच्छी है, चल रही है और ज़्यादा करके मैंने रीजन यूज़ किया है, जैसे कि तो आप हमेशा यूज़ करते हो, मैंने ज़्यादा करके रीजन यूज़ किया है, रीजन ही अच्छा रहता है क्योंकि उससे चार्जिंग हो जाती है काफ़ी। पा रहे हो 31 बैटरी बची है, तो मेरा घर यहाँ से बस दो तीन किलोमीटर दूर है और मैं तो आ गया घर पे, यानी ऐसा समझ के चलो कि 25 किलोमीटर आपको जाना है तो आपको बस 22 ही बैटरी लगेगी और उस हिसाब से तो एकदम अच्छा है। और मेरी तो डेली की रनिंग 60-70 किलोमीटर हो जाती है तो एकदम सही है और मेरे लिए तो एकदम सही रहा। तो आपको मैं ये दिखाना चाहता था कि इसमें बैटरी कितनी बचती है और आप कितना चला सकते हैं, तो इस हिसाब से आप उसकी रेंज के हिसाब लगा सकते हो। तो वैसे मैं रेंज टेस्ट भी करने वाला हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।